आप लोगों को इनमें से हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है हम वो बताते हैं। सबसे पहले रूल मैं यहां लिखवा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक रूल्स एक प्रकार से यहां लिखवा देता हूं। रूल्स क्या है, कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए मेरे पास है ए बी सी डी ये दे रखी है, तो यहां से याद रखेंगे कि जो इसके अंदर जो 2x2 की कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो स्क्वायर के अंदर आता है तो क्या रूल होता है, वहां से आता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू जीरो। ये होगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये रूल हम लोग इसमें यूज करेंगे। आप लोगों को हमने बता रखा है कि ट्रेस ऑफ ए हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट यही होता है ट्रेस ऑफ ए। तो इसका ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा बताओ, इसके हिसाब से ए प्लस डी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो ए डी माइनस बी सी यही होगा ए डी माइनस बी सी। तो इस रूल को अगर हम लोग देखें तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई, तो ये रूल हम लोग अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो आप देखिए हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। और इसके लिए अपन आगे क्या करेंगे, तो यहां से हम लोग देखें कि हमारे पास बताओ जो गिवन मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है 2 5 4 1, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 × 1 − 4 × 5 दैट इज 2 − 20 − 18 आएगा, और ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा इसके अंदर, ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 2 + 1 = 3। अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग चले, यहां से इसके अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 3 × a फिर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए −18 × i इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस 3 ऑफ a इक्वल टू +18 i। बताओ ये आ गया तो किसके इक्वल आया हमारे पास, +18 i। तो हम लोग इसको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार, ये मैंने कंप्लीट रूल बताया है हर एक क्वेश्चन के लिए और ये मैंने सोल्व करके बताया। आप लोग सीधा ही निकालना है ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल 2 1 3 a प्लस ये डिटरमिनेंट सीधा निकल जाएगा 2 − 20 − 18 − 18 राइट में जाएगा +18।